क्वेश्चन नंबर 5 राम और मोहन दो व्यक्ति हैं, तीन अनुपात दो में ये दे रहे हैं बैलेंस शीट और गुडविल करना है 40,000 के बारे में पहले बता था। क्वेश्चन नंबर 3 में गुडविल हमने लिखा हुआ था, गुडविल क्रिएट की, तो गुडविल आपकी यहाँ बैलेंस शीट में आएगी और यहाँ पर आएगी। अगर गुडविल बैलेंस शीट के अंदर है और उसे बंद करनी है तो यहाँ पर लिखेंगे नए अनुपात में, और गुडविल का मूल्य बढ़ाना है तो आप चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो या देखो या तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा, बढ़ानी है तो गुडविल को बढ़ाना है। कितना करना है 40,000, 100 लाएगा 80,000 रुपए, 20 तो स्टॉक है, फर्नीचर और कैश के अलग अलग है, यानी यही 80,000 में 20,000 स्टॉक है, 10 का फर्नीचर है, 50 का कैश है, और रिवर्सन करना है, बिल्डिंग को कम करना है, फर्नीचर को 90% लाना है, प्रोविजन 5% करना है, स्टॉक 25,000 करना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है आपकी 1,000, और रेशो है नया प्रॉफिट एंड लॉस रेशो दे रखा है आपके बराबर बराबर का है, जिसमें पूंजी को बांटना है बराबर बराबर, तीनों बराबर बांटने तीन का बाद 80,000 आ जाएगी। बैलेंस शीट पहले आ जाएगा, इसका मतलब अंतर है वो क्या आएगा आपके, जो अंतर है वो कैश है, तो सबसे पहले आपके स्टार्ट हो यहाँ से, सबसे पहले कैपिटल, तो यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल बाय बैलेंस बीडी, वो दे रखा है आपके 50,000 40,000। फिर है आपके जनरल जरूरत 50,000 और 90,000, फिर है आपके जनरल जरूरत, ये आ जाएगा यहाँ पर बाय जनरल, ये पुराने पार्टनर्स का आया तो पुराने अनुपात में आएगा, जो दे रखा है 3:2, 5 का भाग जाएगा 4% तो 4 किया 12 और 4×8,000। फिर आ गया क्रेडिटर, इसके बारे में कुछ नहीं दिया वाला, सीधा क्रेडिटर आपके यहाँ आ जाएगा, वो दे रखा है आपके 10,000। ये वाला कॉलम कंप्लीट, अब ये वाला गुडविल, गुडविल है 30 की, करनी कितनी की है आपको 40 की, ये आ जाएगा यहाँ पर आपके गुडविल, वो हो जाएगा आपके 40,000। अब 10 बढ़ गया, अब जब भी ऐसे का वैल्यू बढ़ जाता है तो यहाँ लिखो तो भी राइट है और यहाँ लिख सकते हो बाय गुडविल, अभी मैंने पहले ही बताया था अगर नई गुडविल आती है यहाँ भी लिखते हैं और यहाँ भी लिखते, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में था बिल्कुल नई गुडविल आई 10,000 तो यहाँ भी लिखते हैं और यहाँ भी लिखते हैं। अगर गुडविल खाते को बंद करना चाहते हो, यहाँ दिया हुआ है बंद करना चाहते हो तो इधर बंद होगी, वो भी नए अनुपात में बंद होगी, और गुडविल अगर आपके इधर ही है, ये इधर ही है गुडविल और इधर आ रही है तो इधर ही आया गुडविल आके बाय गुडविल, या तो यहाँ लिखो बाय गुडविल, यहाँ लिखो तो भी राइट है और यहाँ लिखो तो भी राइट है, यहाँ लिखो तो भी लिख सकते हो बाय गुडविल, इसमें कोई फर्क नहीं, कारण क्या है कि इसमें से जो भी चीज आएगी वो कहाँ बढ़ती है आपके यही जाती है, वो भी पुराने पार्टनर्स में, तो दोनों में से कहीं लिखो, यहाँ लिखो तो राइट है यहाँ लेकिन भाई नहीं है, यहाँ भी बाय गुडविल लिखते हैं यहाँ भी बाय गुडविल लिखते, क्योंकि संपत्ति का मूल्य 10,000 बढ़ गया है, 10,000 बढ़ गया है, ये पुराने की है पुराने का बढ़ जाएगी 3:2 में, मतलब कितना है 6,000 4,000। हर चीज दो बार होगी, देखो 10 तो यहाँ जुड़ गई आपके और 10,000 यहाँ गई, और अगर आप गुडविल यहाँ दे रखी है इसको बंद करना है तो इधर करते हैं नए अनुपात, और यहाँ कुछ बढ़ाना हो गुडविल, कुछ नया लाना हो गुडविल का तो यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे। फिर है आपके सोन कैपिटल, तो लिखो सोन क्या क्या लिखा है, कैश तो लिखा है 50,000 10,000 फर्नीचर और साथ में क्या लिखा है स्टॉक, तीन चीज लिखा है स्टॉक फर्नीचर कैश, तो यहाँ लिखेंगे बाई स्टॉक बाय फर्नीचर बाय कैश, कितना कितना लिखा है 20, 10, 50, 20,000, 10,000 और 50,000, ये तो कैश का आइटम नहीं है, ये तो लिख दिया पहले, फिर ये हो गए रोए, उसके बाद आपके बिल्डिंग का है तो बिल्डिंग कितना है आपके, इसको भी आप दो बार लिखना, एक बार यहाँ लिख दिया एक बार जैसे पॉइंट आएंगे हम पॉइंटों में हम लिख देंगे, तीन तो ये लिख दिया हमने, तीन अभी जो खाते आएंगे जो आगे एंट्री आएगी उसके हिसाब से लिख लेंगे, कुछ लोग क्या अब है बिल्डिंग, बिल्डिंग लिखेंगे यहाँ पर, बिल्डिंग के बारे में क्या दिया हुआ है, बिल्डिंग है कितने की 50 की, 10% कम करना है, यहाँ लिखेंगे बिल्डिंग 50,000,
लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे, 10%। कितना है 10%? 5000 होता है, कम कर दो कितना हो जाएंगे, 45000। अब बिल्डिंग का मूल्य आज कम हो गया तो इधर आएगा 2 में, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, बिल्डिंग नुकसान हो गया तो इधर आएगा बिल्डिंग रिवॉल्यूशन के 2 में, कितना आएगा आपके 5000। फिर अगला है आपके फर्नीचर का, यहाँ लिखेंगे हम फर्नीचर, फर्नीचर मूल्य कितने देगा आपके 20000, ये लिख दिया 20000। इसके बाद कितना करना है, 9% करना है, तो हम करेंगे लेस, कितना 10% लेस करना है, 90% तक वैल्यू लाना है, 10% मूल्य कम करना है, तो ये आ जाएगा आपके 2000, ये हो जाएगा आपके 18000। कम किया है वो यहाँ आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम फर्नीचर, कितना 2000 हमने कम कर दिया। अब 18000 है ये आपके, 10000 और है नया एक्स्ट्रा, कौन लिखा है ये, ये लिखा है सोन कैपिटल, इसमें ऐड करेंगे, सोन लेके आया न्यू, कितना लेके आया सोन फर्नीचर, 10000 का फर्नीचर लेके आया सोन, तो 10000 पे ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा आपके 28000। अब आया आपके अगला पॉइंट डेटर का, तो यहां लिखेंगे डेटर, डेटर दे रखा है आपके 40000, लेस करेंगे प्रोविजन, कौन सा यहां से जो बताएगा वो, यहां प्रोविजन दे रखा है 5%, 40 का 5 कितना होता है आपके 40 का आधा 2000, ये हो गया आपके 38000। पहले गेंदा कितने के थे, 37 के थे, अब गेंदा कितना हो गया आपके 38 के, बढ़ गया 1000, बढ़ गया, तो आपके फायदा और संपत्ति ऐसे बढ़ती है, घटती है इधर, बढ़ती है तो इधर, यहां लिखेंगे बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिख सकते हो, कितना है आपके 1000 का फायदा हुआ, तो पहले 37 था अब 38 हो गया, या घटने वाली चीज 3000 थी अब 2000 हो गई, 1000 क्या हो गया आपके कम घट रही है, 1000 का फायदा हो गया। फिर है आपके स्टॉक, तो यहां लिखेंगे स्टॉक, स्टॉक का वैल्यू कितना करने का है, 25000 करने का है, याद रखेंगे 25000, पहले कितना था 23, अब कितना करते 25, बढ़ गया 2000, यह आएगा भाई, क्या लिखेंगे इसको स्टॉक, ये कर देंगे हम 2000, बढ़ गया 2000, पहले 23 था 25 हो गया, प्लस ये जो लिखा है सोन 20000 का, इसके अंदर ऐड कर देंगे, कौन लेके आ रहा है, सोन लेके आ रहा है, कितना लेके आ रहा है 20000 का, ये हो गया आपके 45000। अगला पॉइंट है आपके कैश का, तो यहां लिखेंगे कैश टू बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस बीडी कैश दे रखा है 10000, और कोई लिखा है ये रहा, ये भाई में है, ये 2 में रहेगा, यहां पर 2 लाने वाला कौन है, सोहन, सबने सोहन लिखना है, सोहन का ऐड कर लेंगे, सोहन कैपिटल कितना हो गया है 50000, ये बैलेंस आज कंप्लीट हो गई, पहला पॉइंट हमने कर दिया, दूसरा पॉइंट हमने बता दिया, तीसरा पॉइंट है रिवैल्यूएशन का, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, प्रोविजन हो गया, स्टॉक हो गया, आउटस्टैंडिंग से, तो ये खर्चा ही है, खर्चा इधर, इनकम है इधर, तो 2 लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये हो गया है आपके 1000। फिर है आपके प्रॉफिट एंड लॉस, दो नया रेशो है वो क्या है आपके बराबर है, और पूंजी दे रही 240000, इसने कहा इसी पूंजी अनुपात में रखेंगे, नए अनुपात में, नए अनुपात 240000 है, हम लिखेंगे 2 बैलेंस सीडी, कुल पूंजी कितनी है 240000, कैसे रखेंगे बराबर बराबर, तो भागते दे दो आप 3 का, तो कितना आया 80000, यहां भी कर लेंगे हम 80000, यहां भी कर लेंगे हम 80000। अब जो बैलेंस की राशि है वो कहां जाएगी, या तो 2 केस में या बाई केस में, लेकिन वो बाद में निकालेंगे, इसके लिए पहले हम क्या ज्ञात कर लेंगे, रिवैल्यूएशन ज्ञात कर लेंगे, फिर रिवैल्यूएशन का खाता बंद करेंगे, ज्यादा कहता है इधर 8000 है, तो ये हो जाएगा आपके 8000, ये भी कर लो आप 8000, 8 में 3 का पीछे कितने बच गया आपके 5000, ये बांट देंगे बाई पार्टनर्स कैपिटल में, ये लॉस हो गया,
अब किस में बांटेंगे? राम में बांटेंगे और मोहन में बांटेंगे। कितने बांटेंगे? अनुपात दे रखा है 3:2, मतलब 3000 2000। ये है बाई में, ये आएगा टू में। टू लिखेंगे यहां पर हम रीवैल्यूएशन, जो हो गया है आपके लॉस। रीवैल्यूएशन लिख सकते हो पूरा 3000 2000, 3000 और 2000। अब है आपके ये खाता बंद करेंगे। अब ये खाता बंद करने के लिए आपके यहाँ 23000 है और यहाँ होता है 50 और 18, कितना होता है 50 68, और यहाँ 83 है, यहाँ तो है 83000 है, तो यहाँ पे कितना कर दो आप 83 कर दो। कितना कम है आपके? यहाँ लिख देंगे बाई कैश 83 में से गए 68 17000। ये कितने हैं? 68 और 83 15000, ये आ जाएगा आपके 15000। फिर है आपके, अब इस बार ये जाता है 90 98 4, 1,02,000। 1,02,000 में से माइनस करेंगे 82,000, पीछे बच गया आपके 20,000। ये आ गया आपके टू केस। अब देखो ये भाई में, तो ये किसमें आएगा यहाँ पर आपके टू में। कौन आ रहा की पूंजी आ रही है? राम। देखो पहले अगर अंतर निकाल देते तो बैलेंस शीट आता था, अब बैलेंस शीट पहले आ गया तो अब अंतर क्या आएगा आपके? कैश का आएगा। अब ये राम कैपिटल है तो यहाँ लिखेंगे टू राम कैपिटल, वो बाई में है तो यहाँ टू में। ये हो गया है आपके 15000। फिर अब ये टू में है तो ये किसमें आएगा आपके? बाई में। क्या नाम है? एम बाई मोहन्स कैपिटल। ये हो गया है आपके 20000, उसकी जोड़ कर तो ये होता है आपके 50 60 70 75000। ये भी कितना कर दो आप? 75000। जो अंतर है वो हो गया है आपके 55000 का, वो कहलाएगा बाई बैलेंस सीडी। अब ये वाला लो, यह आ जाएगा कैश, यह आ जाएगा आपके कैश। कितना कैश है आपके? 75000। ये हो जाएगा आपके 75000। अब यहाँ क्या आएगा आपके? इसका बैलेंस यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल, राम की, मोहन और तीसरा है आपके सोहन। रुपए दे रखे हैं आपके 80000 80000, और ये हो गए 80000। ये हो गए आपके 2,40,000 प्लस, ये हम लिखेंगे पर दो बार इतना दे रहे आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये कितना है आपके? 1000। 2 40 10, दो कितने जाएंगे आपके? 55000 है। ये रहा बैलेंस 55000। अब 2 40 2 50 और ये कितना हो गया? 2 51। जोड़ ले देख लो दोनों तरफ आपके बराबर है।